फ्रिज में रखना है अच्छे से। शुरुआती में जो आपने रखा था उसी प्रकार रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12वीं का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं। उसका प्रैक्टिकल है प्रिज्म द्वारा अपना जो विचलन कोण ज्ञात करना होता है, और आपतन कोण और निर्गमन कोण और विचलन कोण, ये तीनों हम ज्ञात करते हैं प्रिज्म की सहायता से। तो इसमें आपको देखो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपको लैब में मिलेंगे। सबसे पहले ये वाला गत्ता लकड़ी का होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को लकड़ी का उपलब्ध नहीं है इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो ऑल पिन है आपको मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट जो आपकी लैब होगी फिजिक्स की स्कूल में उसमें, ठीक है। और ये वाला होगा आपका प्रिज्म, ये जो प्रिज्म है इसका जो प्रिज्म कोण है ये वाला, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आपको चाहिए रबर और स्केल, और ये इसको हम चंदा बोलते हैं, ये इतने सही है ताकि हम एंगल को नाप सकें। तो अब हम शुरू करते हैं आपको कैसे ये प्रैक्टिकल करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते रहिए वीडियो को एंड तक, आप पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे से नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रिज्म को इस प्रकार से रख लेना है, फिर इसकी जो आउटलाइन है वो आपको खींच लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जो आउटलाइन है पहले इसको एकदम इस तरह से रखना है, फिर इसकी जो आउटलाइन है वो हम खींच लेंगे। तो इसकी आउटलाइन जो है वो हमने खींच ली है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भाग बन गया है आउटलाइन बनाते समय, तो उसको हम क्या करेंगे, रबर से साफ कर लेंगे। और यहाँ पर जो भाग अच्छे से नहीं बना है उसको हम स्केल की सहायता से एक बार फिर से बना देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला अपना भाग है वो बन गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक बिंदु लेना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर देख लीजिए आप एक बार फिर से, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक बिंदु लेना है, मान लिया बिंदु। फिर आपको क्या करना है देखिए, फिर आपको लेना है आपका चंदा और उसकी सहायता से यहाँ पर इसको रख कर जो आपने पॉइंट माना है उस पॉइंट पर इस चंदे का मिड पॉइंट रखें, और इस लाइन के ऊपर पूरी रखते हुए चंदे को 90 डिग्री पे मार्क करें, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री पे मार्क करके आपको क्या करना है, सामान्यतः फाइनली इस लाइन को जो है वो मिला लेना है, डैश डैश करके इस लाइन को मिला लेना है, ठीक है। तो ये जो अपना बना है वो बना है अभिलंब, क्या बना है, अभिलंब, ठीक है। फिर जो आपका अभिलंब बना है उस पर आपको अपना चंदा रखना है, और यहाँ पर जो आपका अभिलंब है उसके ऊपर जो ये वाली लाइन है उसको मिलाना है अच्छे से पॉइंट को भी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है देखो, फिर हम क्या करते हैं आपतित किरण बनाते हैं, ठीक है। आपतित किरण हम यहाँ पर बना रहे हैं, कितने एंगल से ले रहे हैं आपतित किरण, हम ले रहे हैं 50 डिग्री पे, ठीक है। तो ये अपना 50 डिग्री यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं सामान्यतः 50 डिग्री जो है यहाँ से, 50 डिग्री कहाँ से लेना, इस 90 वाली जो भुजा है आपको यहाँ से 50 डिग्री ऐसे लेना है, ठीक है, ये वाला। तो हमने यहाँ पर 50 डिग्री पे मार्क कर लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे 50 डिग्री को अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको भी मिला लिया है, अब हम क्या करेंगे जो अपनी ऑल पिंस होती हैं ये वाली, ठीक है ना, उसको इस लाइन पर सबसे पहले तो शुरुआत में इस लाइन पर अच्छे से फिट करेंगे एकदम टाइटली, ताकि ये हिले नहीं और टेढ़ी ना हो, इस लाइन पे ही फिट करना। फिर आपको यहाँ पर इतना सा डिस्टेंस लेकर वापस इसको सबसे लास्ट कॉर्नर पे फिट करना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से फिट हो गई है, आप देख सकते हो वीडियो में। फिर आपको प्रिज्म जिस प्रकार आपने पहले रखा था उसी प्रकार आपको वापस प्रिज्म रखना है, अच्छे से शुरुआती में जो आपने रखा था उसी प्रकार रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये वाली जो अपनी दो
जो है अपनी ऑल पिन उसको इस साइड, क्योंकि देखो ये आपतित किरण थी तो इसकी निर्गमित किरण कुछ इस तरफ बनेगी, तो इस तरफ ऐसे रखना है कि ये जो चारों ऑल पिन है वो एकदम सीधी रेखा में हो। अब सीधी रेखा में कैसे होगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखो मैं आपको अब आपको जो प्रिज्म का साइड का प्रीव्यू है उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दो ऑल पिन दिख रही होगी जो हमने आपतित किरण की ओर लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, सामान्यतः इस जो ऑल पिन को है वो यहाँ इस प्रकार सेट करेंगे कि ये सब क्या हो, एक ही रेखा में हो। तो हम देखकर इसको यहाँ लगा लेते हैं। देखो एकदम सीधी रेखा में है, ठीक है, अच्छे से रेखा में आ रही है। सेकेंड ऑल पिन को हम यहाँ पर लगाते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो ये चारों हैं, एक बार मैं जूम करके बता रहा हूँ, देखो चारों एक ही रेखा में दिख रही हैं आपको अच्छे से क्लियरली, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस जूम इन कर रहा हूँ, तो ये पर चारों ही एक रेखा में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर है जो जो लाइन थी मतलब उसकी एक सीधी रेखा में चारों ऑल पिन हमारी सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सामान्यतः इस प्रिज्म को हटाकर साइड में रख देंगे और यहाँ पर इस लाइन पर अपन को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो इसको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ से ऑल पिन हटा लेंगे और जहाँ पर हमने ऑल पिन लगाई है वहाँ पर ऑल पिन को हटाकर पेंसिल से मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। अच्छे से मार्किंग हो जाने के बाद आपको, देखो मैं थोड़ा नज़दीक से बता देता हूँ। अब देखो फिर आपको क्या करना है, जो स्केल है आपके उन दो बिंदु जो आपके थे उन दोनों बिंदुओं को मिला लेना है और यहाँ पर डैश डैश खींचना है और यहाँ से ठोस लाइन खींच लेनी है। कैसा देख लीजिए, आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पर ये देगी इस प्रकार से खींचना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अब ये लाइन आ गई, इसका मतलब इस प्रिज्म की इस भुजा पर हमको एक बिंदु और मिल गया, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सामान्यतः इस संधि को रखेंगे और इस बिंदु को मिड पॉइंट मानते हुए त्रिभुज की भुजा को इस प्रिज्म से संधि से मिलाते हुए 90 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे। तो यहाँ पर हम अभिलंब खींच लेंगे कुछ इस तरह से आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो हमारा अभिलंब बन गया है और ये हमारी कौन सी हो गई है, निर्गमित किरण, और ये हमारी आपतित किरण है। अब यहाँ पर जो आपकी आपतित किरण है उसको भी हम क्या करेंगे, सीधी सीधी रेखा में आगे बढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ आगे बढ़ा दिया है। अब देखो जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है उन दोनों को क्या करेंगे, सामान्यतः मिला लेंगे। तो ये आपका जो प्रिज्म का डायग्राम है वो कम्प्लीटली बन चुका है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो डेल्टा है, डेल्टा कौन सा होगा मैं पूरा जूम करके बता रहा हूँ। जो ये वाली आपने जो आपतित किरण को आगे बढ़ाया है और जो निर्गमित किरण को पीछे बढ़ाया है, उन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो आपका बन रहा है डेल्टा। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, विचलन कोण। त्रिभुज को हम बोल देंगे ए बी सी, प्रिज्म को, और अपना प्रिज्म कोण जो था वो 60 डिग्री वाला प्रिज्म लिया था हमने। तो यहाँ पर अब ये जो कोण आपने लिया था वो लिया था 50 डिग्री, आई आई कितना लिया था 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस कोण को नाप लेंगे अपने चंदे की सहायता से। तो ये कोण हमारा आ रहा है यहाँ पर देखिए 45, 45 के बाद 46 और 47 के समथिंग ये कोण आ रहा है अपना 47 के समथिंग। अब हम क्या करेंगे, अपना जो विचलन कोण है उसको भी नाप लेंगे। उसको नापने के लिए आप क्या करोगे, ये भुजा थोड़ी सी आगे बढ़ा के देख लोगे ताकि आप अच्छे से नाप सको। अब यहाँ पर इसको एक पॉइंट मानते हुए चंदे को इस प्रकार रखेंगे कि ये मिड पॉइंट में हो और ये वाली जो पूरी भुजा है वो चंदे की लाइन से मिले। तो यहाँ पर हम इसका जो हमारा एंगल आ रहा है वो आ रहा है लमसम आ रहा है आपका 38 डिग्री के आसपास। कितना आ रहा है, 38 डिग्री के आसपास। तो अब हम क्या करेंगे, सामान्यतः इस रो का जो मान 38 के आसपास आया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे कोण आई बराबर अपना आया है, कितना आया है, कोण आई बराबर है 50 डिग्री। हमने माना था 50 डिग्री, और मैं मार्कर से भी लिख लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए, आपको अच्छे से दिख सके। कोण आई हमने माना था 50 डिग्री और अपन को कोण ई जो मिला है वो मिला है 47 डिग्री, और अपना जो डेल्टा है वो आया है 38 डिग्री, और
जो प्रिज्म कोण है वो अपना है 60 डिग्री। तो ये हमको वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हम देखेंगे कि अपना प्रैक्टिकल जो है वो सही है या ये गलत, क्या अपनी जो वैल्यू आई है वो सही आई है या गलत आई है, क्या हमने प्रैक्टिकल के अंदर कोई मिसप्रिंट तो नहीं की। तो उसके लिए हमको पता है, हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि कोण आई और कोण ई इसका जो योग होता है वो कोण ए प्लस डेल्टा के योग के बराबर होता है। तो कोण आई का जो मान है अपना 50 डिग्री है, कोण ई का मान अपना 46 डिग्री है, कोण ए का मान 60 डिग्री है और डेल्टा का मान अपना 38 डिग्री है। तो यहाँ पर ये हो रहा है 97 डिग्री और ये हो रहा है अपना 98 डिग्री। तो देखो अपने क्या है चंदे से मापते हैं तो थोड़ी बहुत एरर जो है अपन को देखने को मिलती है, एरर जो होती है वो थोड़ी बहुत रह जाती है, क्योंकि ये जो अपने हैं वो दोनों लगभग बराबर आना चाहिए, यानी कि इसमें 2-3 डिग्री का डिफरेंस हो तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे देखो दोनों बराबर ही आए हैं, तो इसका मतलब अपना जो प्रिज्म का पूरा डायग्राम है वो एकदम करेक्ट बना है। तो ये एकदम अच्छे से ये हमने डायग्राम जो है वो बना दिया है आपके सामने है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है अपने प्रैक्टिकल में, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले प्रिज्म को रख के आउटलाइन खींचनी है, फिर यहाँ पर बिंदु मारना है, फिर लंब डालना है, फिर यहाँ से एंगल लेके आपको आपतित किरण बनानी है, फिर क्या करना है आपतित किरण के बाद आपको निर्गमित किरण के लिए प्रिज्म को रखते हुए, प्रिज्म को इसके ऊपर रख के यहाँ पर एक सीध में होने चाहिए सारे जो पॉल पिन है। इस प्रकार से हम वापस इस पे पॉइंट मिलते ही ये अभिलंब बनाएंगे, फिर इस किरण को पीछे बढ़ा के डेल्टा का मान भी माप लेंगे और सब कुछ ज्ञात करेंगे। तो ये था अपना प्रिज्म का प्रैक्टिकल जो आपके